आप देख रहे हैं विनायक न्यूज मध्य प्रदेश, सच की ओर। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं सबको नमन करती हूँ। मैं हूँ शिराली। आज मैं आपको हिंदू के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक नवरात्रि के बारे में बताने आई हूँ। कोरोना काल चल रहा है और नवरात्रि भी चालू हो चुकी है। ऐसे में हम माँ को प्रसन्न करने मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन उनके नौ रूपों के बारे में तो हम ज़रूर जान सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में ही हमारी जो माता होती हैं उनमें किस तरीके से नौ रूपों की हम पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके अपनी माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले माता आती हैं शैलपुत्री। जी हाँ, नवरात्रि का पहला दिन होता है शैलपुत्री माता का। माँ दुर्गा का पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। इन्हें करुणा और ममता की देवी माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से माँ की पूजा करता है उसे सुख और सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो सुना आपने, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा ये बहुत सुनी सुनी बात है? ये रूप हमारी माँ के अंदर भी होता है। वो करुणा और ममता माँ में भी होती है, तो क्यों ना हम माँ को सरप्राइज करें और उनको एक दिन किचन से आउट करें, उनकी हेल्प करें और ये रूप शैलपुत्री का रूप अपनी माँ में देखें। दूसरा दिन होता है ब्रह्मचारिणी माता का। माँ दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से यश सिद्धि सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसीलिए इन्हें तपस्वी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी माता के अंदर तो ये बहुत सारा ब्रह्मचारिणी रूप है, क्योंकि वो कभी अपने पति के लिए कभी अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है, उनकी लंबी उम्र के लिए तो कभी अच्छी पढ़ाई के लिए। तो हमें अपनी माता ब्रह्मचारिणी रूप में उन्हें नमन करना चाहिए। माँ दुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा, जो तीसरे दिन आता है। मान्यता है कि शेर पर सवार माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों के कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इन्हें पूजने से मन को शक्ति और वीरता मिलती है। इससे भी हमारी माता को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब बॉर्डर में हमारे सैनिक लड़ते हैं तो उनको शक्ति उनकी माता के दिए हुए आशीर्वाद से आती है। तो ये रूप उनका चंद्र घंटा के रूप में माना जाता है। चौथे दिन का माता का दिन होता है कूष्मांडा। माँ दुर्गा का चौथा रूप है कूष्मांडा। मान्यता है कि माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी पूजा से आयु यश बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। क्या आपको पता है, इस कोरोना वायरस में सबकी छुट्टियां हैं पर सिर्फ एक की छुट्टी नहीं है और उसे वेतन भी नहीं मिलता। वो है कूष्मांडा के रूप में हमारी स्वयं माता, जो दिन रात हमारे लिए काढ़ा हल्दी पानी हल्दी दूध बना के हमें स्वस्थ रखती है और आरोग्य रखती है। तो नमन करना चाहिए हमें ऐसी माता का। स्कंद माता। माँ दुर्गा का पांचवा रूप है स्कंद माता। मान्यता है कि यह भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में भी पूजा जाता है। जी हाँ, क्या आपने कभी अपनी माता को देखा है छोटे छोटे रुपए बचाते हुए? वो किसके लिए बचाती हैं? वो अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए पैसों का बचत करती है। जी हाँ, कात्यायनी माता। माँ का द्वार छठा रूप है कात्यायनी। इन्हें गौरी उमा हेमावती और ईश्वरी नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह महर्षि कात्यायन को पुत्री के रूप में मिली, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा।
माना यह भी जाता है कि जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही होती है वह मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए कात्यायनी माता की भी पूजा करते हैं। कालरात्रि, माँ दुर्गा का सातवां रूप है कालरात्रि। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल और असुरों का नाश होता है, इसी वजह से माँ के इस रूप को कालरात्रि कहा जाता है। यह माता हमेशा शुभ फल ही देती है, इसलिए इन्हें शुभ कारी भी कहा जाता है। जब हमें बुखार आता है तब हमारी माता कालरात्रि का रूप लेकर हमें रात रात भर अपने सीने से चिपका कर सुलाती है, जिससे हमारा सारा डर एक चुटकी में चला जाता है। इसीलिए हम अपनी माता को कालरात्रि के रूप में नमन करते हैं। माँ गौरी, माँ दुर्गा का आठवां रूप है महागौरी। यह भगवान शिव जी की अर्धांगनी या पत्नी है। इस दिन माँ को चुनरी भेंट करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्तों के सभी कष्ट भी दूर होते हैं। जी हाँ, अगर हम सब छोड़कर अपनी माँ को ही दुर्गा माँ के रूप में, महागौरी के रूप में मान ले, तो हमारी माता भी हमारे सब कष्ट दूर करती है, वो भी भगवान से प्रार्थना करके। सिद्धात्री माता, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का नौवा और आखिरी रूप होता है सिद्धात्री माता। मान्यता है कि माँ सिद्धात्री की पूजा करने से रुके हुए हर काम पूरे होते हैं और हर काम में सिद्धि मिलती है। जी हाँ, अगर हम घर से निकलने से पहले अपनी माँ के पैर छुएं, अगर हम माँ को सीने से लगाएं, अगर हम माँ की हर बात माने, उन्हें दुख ना पहुँचाएं, तो माँ हमारे हर काम की सिद्धि के लिए प्रार्थना करती है। तो देखा आपने, ये नौ रूप आपके घर में ही हैं। आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो आप अपने घर को ही मंदिर बनाइए, और उस मंदिर की देवी आपकी माँ, आपकी बहन हो सकती है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट वुमेन्स, और इस नौ दुर्गा की शुभकामनाएं मैं सबको देती हूँ। बी सेफ, बी सैनिटाइज्ड। धन्यवाद।